मैं चुप कर बाकी सब मैं बाहर लाया मैं लड़े पैना पर हूं शॉपिंग करनी शॉपिंग करनी है अठ सूट डन सब मैं गिनता मैं कई बीमारी है तेरा क्या दिमाग शाट है दिमाग की खराबी दिमाग का इलाज करवा खराब पीता मैं तू लौटना मारा कर ठीक है बाहर लाने ला के छेड़े करने तो करके चव्या मेरे तम दिया लेना पी मैं पूरा बन बन पानी शानी लगा हुआ है तो इधर जो है ना हम बैठे थे बैठक में जैसे आपको पता होता है अब ये तैयार करें ठीक है इंशाल्लाह फिर मैं आता हूँ प्यारे बहन भाई हो ओह ये कौन आ गया क्या हाल है अकरम खान जिनकी औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक उसे नेक साले औलाद दे जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा हाँ इधर सोया था उठ गया है अब नहीं सोया है उसको अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना पीना जो है मैंने तो कर लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे जान रहे हैं खुश रहे हैं बाद रहे हैं हंसते और मुस्कुराते रहे फूलों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं अल्लाह पाक का करम है आप लोग की दुआएं हैं तो सहरी का टाइम जो है हो चुके हैं हम अपने किचन में बैठे हैं डेली की रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं रहना हमारे साथ और बहुत बहुत तमाम देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं क्योंकि माह रमज़ान का नेक महीना है तो जब भी हम रोज़ा रखते हैं जब भी हम इबादतें करते हैं नमाज पढ़ते हैं तो बहुत बहुत दुआएं करते हैं खासकर जिनकी औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक उसे नेक साले औलाद दे जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे आमीन सुम्मा आमीन तो अभी जो है ना मैं आटा गूंद रही हूँ चाय जो है ना ये देखे मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है दूध पत्ती ये भी बन रही है तो जिसने जो है ना हमारे साथ रोज़ा रखना है सहरी खानी है तो मोस्ट वेलकम जल्दी जल्दी से आ जाए ठीक हो गया आ गए काबू हो आ जाए मोस्ट वेलकम हो गया जी वो दरवाजे में वो ओ, नहीं आया कोई यार आ जाएंगे सफर रख जो नहीं आ सकते तो वो जल्दी जल्दी अपने घर में ना खाना बना के रोज़ा रख रहे हैं ये रोज़ा छूट गया तो फिर इसी तरह होता है जी जो एक मखसूस चीज होती है ना मखसूस चीज वो ऐसे ही जो है ना ये एक मखसूस महीना है एक ही महीना है 11 महीनों के बाद जब एक महीना आता तो पता नहीं चलता ना उसका जब 11 महीनों का नहीं पता चलता तो एक महीने का क्या पता चले अल्लाह पाक जो है ना हमारे ये नसीब में करे आमीन हमें ये माह रमजान बख्शिक दे और अगला माह रमजान भी तमाम दोस्त बहन भाइयों को भी दिखाए आमीन हमें भी दिखाए पता नहीं इस रमजान में जो है वो अगले रमजान शरीफ में शायद ना हो ये भी कुछ पता नहीं है ये भी मुकम्मल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हाँ जी बिल्कुल अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक जो है ना हमें ये नसीब फरमाए आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन अब चाय तैयार हो चुकी है हाँ जी बस उबल रही है इसका ना मीठा वगैरह चेक करना है फिर इसको उतार दूंगी अच्छा आटा गूंदा है ना आटे वाले हाथ धो लो घड़ी ना पोस जावे न्यू ले लेंगे इसमें पानी चला जाता है फिर भी अच्छा कोशिश कर रही हूँ इसको बचाने की बचा के रखें जी हाँ पानी इसमें ना जाए जाग फकीर जाग वेला सरगीदा सरगीदा आज उठाया नहीं मज़म को मज़म में नहीं उठ गया था वो भी अपनी मेहनत में लगा होगा ऊपर से होती है जल्दी व्लॉग भी बनाना होता है और साथ में खाना भी खाना होता है तो मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने हैं तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने ये चीज़ है जी ओके जी स्टार्टिंग जो है वो माशाल्लाह अच्छे से हो गई है
तमाम बहन भाई को दुआएं जो है ना वो भी दे दी गई हैं, अपना काम जो है वो भी शेयर कर दिया गया है, जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक तो शेयर कर दिया, आगे भी शेयर करते हैं। ठीक हो गया जी, अभी चाय मुकम्मल हो चुकी है, पक चुकी है, तो उसके बाद जो है ना आटा रोटी शुरू हो जाएगी। सालन जो है ऑलरेडी मौजूद है, जो बनाया था बंद गोभी और मटर वाला ऐसे जी, और दही जो है मेरे ख्याल में ये देखें अपनी उसी बाल्टी में ना पड़ी हुई है, जो बाल्टी इसकी दही की दोस्त है। हाँ जी, एक दूसरे के दोस्त हैं तो ये चल रहे हैं। हाँ जी, दोस्त ना होता ये निकाल के फेंक दे। बिल्कुल इसी तरह है जी, हमारे साथ जो हैं दोस्त हैं बहन भाई, इसी तरह का जो है हम भी चल रहे हैं ना, हम भी चल रहे हैं, जब वो हैं तो हम भी चल रहे हैं, अगर वो नहीं है तो हम कैसे चल सकते हैं जी। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कॉमेंट आए जी, अपना आपकी वीडियो में तस्वीर नहीं है, आवाज़ आ रही है, तो कभी आवाज़ तो सही आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, कभी फ़ोटो नहीं आ रहा, कभी फ़ोटो आ रहा है आवाज़ नहीं आ रही, तो ये जी प्रॉब्लम वही जो हम डेली वीचर पे बताते हैं। हाँ, माजरत भी करते हैं बहन भाइयों, आप लोग की मोहब्बत है, आप बर्दाश्त करते हैं हमें, हमारा साथ देते हैं, वीडियो भी फुल देखते हैं। हाँ जी, जैसी भी होती है, और हम भी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छी सी बना पाए, अच्छी बनाते तो हैं लेकिन फॉल्ट बीच में आ जाता है, वो मसला है मोबाइल का। हाँ जी, अपने खाने में कोई जहर नहीं डालता। बिल्कुल, खुशी से अपने खाने में कोई जहर नहीं डालता, ये मजबूरी है, मजबूरी एक ना एक दिन हल हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक का वो तो हो जाने है जी, वो तो हो जाने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी बर्दाश्त करें और हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, कोई पता नहीं अल्लाह पाक किस जगह किस टाइम किसकी दुआ कबूल करे, किसी के दुख इसलिए हर बार अपने ब्लॉग में हम कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करो, हम आपके लिए दुआ करते हैं, इसीलिए कहते हैं अपने लिए भी हम दुआ करते हैं, ये नहीं है कि हम अपने लिए आप खुद दुआ नहीं कर सकते, अपने लिए भी दुआ करते हैं, रिश्तेदारों के लिए, अपने हमसायों के लिए, पूरी उम्मत के लिए हम दुआ करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बहन भाइयो, ये कौन आ गया, क्या हाल है अकरम खान जी? जी सर, सर आए भी और जा भी रहे इतनी जल्दी में, क्या हुआ? चार बज रही है। हाँ जी, आपको पता है देर पौने पाँच बजे सहरी बंद हो जाती है। सहरी अभी नहीं की आपने? नहीं, सहरी नहीं की, दही लेकर रख दी थी मैंने, वीडियो स्टार्ट कर ली, फिर मैंने कहा वीडियो वगैरह जो है वो बना लें। चलो सही है, फिर अभी सहरी ओके हो गई होगी, अभी चलते हैं उधर सहरी वगैरह करते हैं, सहरी करने के बाद फिर देखेंगे। आ जाए, इधर भी तैयार है। आपने कल की थी? आपने कल की थी? नहीं, मैंने तो अपनी वजह बताई थी, आप वजह बताए ना। मेरी वजह ये है कि अकेली बेगम फिर कैसे करेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने तो कहा था कि मैं जी जब से रोजे रखने रमजान आया है पहले रोजे से और 19वां रख रहे हैं, मैंने सालन खाया है। अच्छा, मैं अपनी वजह बताता हूँ, जब से रोजे आए हैं मैंने दही के साथ नहीं खाया, मैं लस्सी पीता हूँ और साथ साथ सालन के साथ भी खाता है, तो आपके साथ पास लस्सी है? नहीं, लस्सी तो नहीं है, वो हम वीडियो में बता चुके हैं, वो हमारा मौज़म खान भी आपके पास आता है पीने के लिए, तो हमारे पास नहीं है ना, आज बना रही हूं। बाकी जो है ना ये बनाती है डेली विजय बनाती है, लेकिन थोड़ी ही अपने लिए बनाती है। सही है ना, तो मैंने पीनी नहीं, क्योंकि भाई मैं 100 की दही लेकर आता हूँ, उसमें कम अज कम 5-6 गिलास लस्सी पान जाती है, जिसमें से 2 गिलास तकरीबन लस्सी का मैं पीता हूँ, 1 गिलास तकरीबन वो सर पीती है, 1-1.5 गिलास वो मजहब पी जाता है, हमारा काम सर जाता है। नादिया पीती नहीं है, वो दवाई खा रही है, उसका वैसे वो छाती का मसला है, लस्सी जो सही उसके लिए नुकसान दे है, वैसे भी डॉक्टर रोका है। चलो आपकी मर्जी है, वरना मैं तो कह रहा था कि इधर ही खा लेते, बाकी आपकी मर्जी है, अल्लाह पाक आपके नसीब में करेगी। जैसे आप जो है ना आग लगा रहे हैं ऐसे लगाते रहें हर पास से। आग नहीं लगा रहा है यार। मैं सिर्फ पूछ रहा था कि तो हाँ तौबा निजा है, अल्लाह को नहीं सकता। हाँ, जिस सीधी गल कही को बंदा ना सा नहीं सकता, तौबा निजा है, सीधी गल कर रहा है वाला पीछे बचा नहीं सकता। ਹੋਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਪੀ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਰਚਾਂ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਰਚਾਂ ਭਈ ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ अच्छा ये वैसे आप मैं इसको बोलूंगा कि एक सूट की हमें जो है ना फुर्सत है, एक सूट ले लो, लेगी ये लड़ाई नहीं करेगी, क्या करेगी, कमाल है यार। और अभी तक तो मैंने रेट नहीं बताया, मर बताओ। हाँ, वैरायटी बताया, कीमत बताया, वो रेट ना बताया यार, हेलो, फिर वो रेट पे अट जाएगी,
क्या बोल भी ऐसे लोगी वाह जैसे भाई लेकर आए ना हम भी वैसे ये क्या यार खुफिया बात बताई है मैं बेल दिखा सकता हूँ ये बात नहीं है मैंने उसको जो बताया है ना सीरियस में बताया है कोई मैं झूठ नहीं बोलता अच्छा रसीद भी रखी हुई है ये एक दुकान की है जो दूसरे सिले हुए कपड़े लिए है ना वो उसका बिल नहीं है अच्छा ये जो अण सिले कपड़े लिए ये उसका बिल है ये देखो ओ तेरी ओ तेरी ये देखो मेरे 6 बच्चे और 2 हम आप 8 बनते हैं ठीक है तो मैंने इतने लिए हैं जो आपको बिल दिखाया है आप इसका डबल करके जाना ये मैं आपको बता दूं ऐसे शहर में जाना शहर के तरफ क्योंकि इसका डबल क्यों कर रहा हूँ पता है जितना मैंने आपको बिल दिखाया है ना जो सिले हुए कपड़े हैं उसमें 10,000 इसमें 10,000 और डाल दो अच्छा फिर इसका डबल आप कितना करके जाओगे खुद किसी हाथ लगा लो वो तेरी है नहीं हम चलो करते हैं कोई डिस्कस करते हैं मैं सारा कोई बता दिया है बस आगे आप जानो आपकी मर्जी आग लगा के जा रहा है मेरे क्या ऐसा ना करो यार गलत बात होती है वाह जी वाह ईद वाले दिन पता चल जावे ईद वाले दिन पता चल जावे फिर कहेंगे बताया नहीं है इसलिए कह रहा हूँ कपड़े देखने हैं सुबह आए कपड़े देखें कौन सी वैरायटी है कैसी है कौन कौन सी चीज ली है सुकून से देखें ये है जबरदस्त बात है क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप उससे हल्की वैरायटी लेके पैसे ज्यादा ना भर लें ये है वही चीज अगर लेंगे तो आपको रेट का पता होगा कि ये चीज तो हमने देखी है ये इतने इतने की आई है दुकानदार हमें इतने की क्यों दे रहा है मैं आपका फायदा कर रहा हूँ यार नुकसान नहीं कर रहा हूँ ओके हो गया जी मुझे गलत बात समझो ओके हो गया ओके वेरी गुड मैन यू आर वेरी गुड मैन आप हमारी फेवर में बात कर रहे हैं बाकी आपकी मर्जी है आप चाहे एक सूट लेकर दें चाहे कुछ भी ना लेकर दें वो मेरा मसला तो नहीं आपका है आपका घर का मसला है मैं क्या कर सकता हूँ कुछ नहीं कर सकता मैंने सिर्फ वो बताया है कि दिया है बस बिल्कुल ओके जी ओके जितना भी मेरे पास पैसा है ना सब मैंने लगा देना है हाँ जी टेंशन नहीं लेनी देने वाली और ज़्यादा दे देगी फिर इंशाल्लाह हाँ चलें जी लस्सी जो है बनाई जा रही है इसकी मथानी चेक करें वाह क्या मथानी चल रही है तेरी कैसे लग रही है बेहतरीन फर्स्ट क्लास लस्सी बन गई है बस अच्छा काफी टाइम हो गया है जी बोलता माया नहीं है पर किधर गया है वो देख लो हां दोबारा सो तो नहीं गया मैं चेक करता हूं चेक करके आता हूं फिर उधर चक्कर लगाता हूं मैं थोड़ा हां इधर सोया था उठ गया है अब नहीं सोया है उस कमरे में देखते हैं नो इस कमरे में भी नहीं है नहीं है भाई इधर उधर ही जहाँ पे सोया हुआ था वहाँ पे नहीं है फिर दूसरे कमरे में चेक किया वहाँ पे भी नहीं है चलो शायद गया होगा इधर चाचू लोगों के पास ठीक हो गया जब तक भी ये तैयार करें ठीक है इंशाल्लाह फिर मैं आता हूँ गुड प्यारे बहन भाइयों शाम को जो है रात बारिश आई थी रात को ये बड़ा पानी शानी लगा हुआ है तो इधर जो है ना हम बैठे थे बैठक में जैसे आपको पता होता है जागते रहते हैं तो मामू ने कहा कि रोते का जब टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि इधर अहमद भाई को उठा के जाओ और उधर भी उठाओ सबको तो मैंने चेक किया तो वहाँ पे ना अहमद ना जाग रहा था मैंने कहा कि वो तो है ना जाग रहा है ऑलरेडी तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया जाग रहा है तो बेहतर हो गया बेहतरीन है कोई मसला नहीं तो नहीं जागा होगा तो उठा दें तो फिर सारे उठ चुके अब टाइम रह गया 50 मिनट मैंने कहा चक्कर लगा लूँ इधर से कुछ बातें शातें हो जाएंगी यहाँ पे क्या हो रहा है रूटीन है सैरी अफ्तारी की वही शेयर की जाती है तो यही शेयर कर सकते हैं जी अभी शाम रात के टाइम कहाँ पे नया दिखाएं या वो करें ठीक है जी सैरी जो है वही दिखाई जा सकती है जी अभी चलते हैं देखते हैं कौन है क्या कर रहा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्या हाल चाल है सब ठीक ठाक हो खुश हो तकड़े फाड़ मोटे वादी पाली हो बड़ी देर से वालेकुम सलाम बोला है बड़ी देर बाद मामा क्या हाल है मामो तबीयत ठीक है बिल्कुल मस्त हो मैं कहती बड़ा खाँदा पीना पे होती अजकल माशाल्लाह
मुंशी साहब क्या कर रहे हो? ये क्या आप गोल बना रहे हो? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, खुश हैं? कैसी तबीयत है आपकी? काम शाम कैसा जा रहा है? वीआईपी जा रहा है ना? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? वो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं सेट कर लूँगा साहब मामला। और यहाँ पे जैन भी मौजूद है, यहाँ पे जब भी आता हूँ ये खिदमतगारी में लगा होता है। मुंशी और मामू जो हैं वो खा रहे होते हैं, बस ये दो खाते हैं और बाकी जो है ना पकाते होते हैं। आप दो जो हैं कमड़ू हैं और ये मुंशी जो है फरीबान है। अहमद भी काम करे ना, तो मुंशी तो मामा कर रहे हैं। अच्छा, अहमद भी काम करे ना, बड़ी गाल है। अच्छा, आज जनाब क्या आप पकाने दर चेक करा लूं? गोभी तो मटर, गोभी मटर, ये कैसे जला दिया इसको सालों को? या क्या वो यार गीले कपड़े उतारने गए थे छत पे। अच्छा, पीछे ये ताल लग गया। ओए होए होए, अल्लाह खैर। लेकिन सालन टेस्टी है, खाने का इसका आप कल चेक करें। जी, गीले कपड़े उतारने गए थे छत पे, पीछे सालन। दो मिनट ठहर जाते, गीले कपड़े कहाँ जा रहे थे? नीचे दो अब जा रहे थे। यार बात वो नहीं है, बताए बात क्या है मुखलिस भाई? बात ये है कि गीले कपड़े वो आंधी बारिश नहीं आ रही थी, इसलिए हम जल्दी उतारने गए थे ना। बारिश आई थी, बारिश आई थी, इसको ये बताए कोई। बारिश आई थी, गीले कपड़े उतारने गए थे, वो सुखा, वो हाँ वो सुखा देती बारिश, बचाने के लिए फौरन गया पीछे। आपका दिमाग किसने खाया है मुझे ये बताओ? यार वो घाट गीले थे ना, फिर बारिश में ज्यादा गीले हो जाते, जब थे ही गीला तो उनको उतारने का। आसमान पे ये आंधी वगैरह धूल वगैरह आती रहती है, आसमान भी वो थोड़ा दुदर मुदर है, तो वो बारिश आती है ना तो मिट्टी भी साफ कुछ भी होता है। आपका भी कोई कसूर नहीं है, आपका भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है? कसूर किस का? आपको शायद बिल्कुल भी नहीं कसूर है, अल्लाह खैर करे। जितने आपको जमाया और इसको जमाया ना कसूर उनका बनता है, बाकी अल्लाह खैर करे। मुंशी को देखे मस्त मलंग मौला होके खाता है, इसको तो नीचे पता ही नहीं चलता कि कितनी रोटियां मैं खा चुका हूँ। वल भाई वल्पा खाता, रिश्तेदार अच्छा 12:30 बजे तो हमने रोटी खाई है आज रात को, हमने भी ऐसे किया, तो अब क्या सहरी करनी, एक आध रोटी खा लेंगे, चाय पी लेंगे, बस हमारा रोजा जबरदस्त हो जाएगा। जैसे मामे ने अभी ना ये देखो खा पी के पानी पी के आप ना भी खाए फिर भी ठीक है, ना खाए नहीं, वैसे भूख का तो मसला नहीं है मेरे अंदर, वैसे 31 दिन की रोटी खड़ी है। ओ वो क्या कहते हैं उसको, मामे दबारा गया हम तेरा भरा है। ये देखें जी, ये देखें चला रहा है कैमरा, हां ओहो मामे ने, हाँ मामे ने तबीयत बना दी। ओहो 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 जुल्म का बदला जुल्म ही ये टूटा गए थे बिच्छी दर्द करने पे खुद आ टूट गया है बिल्कुल। ओले ओले मारे आपने जान करे मैं सह रोजा कर रखी था। अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, और रोजा छोड़े से रत्ती थी के बदले का बदला मामा, बदला तो देना चाहिए ना, बदला बदला मामा तो आ भी होगा मेरी रत्ती काल के मैं तेरी काली करे था मरेगा तो निकला निकला की जरा तू शेर ही अपना ये ना वो क्या कहते हैं यार मुंशी, मैं इधर मौजूद था तो मामे ने बोला कि आपको ना इनको टाइम हो गया, इनको जाके उठाओ। मैंने कहा आप उठाएं, मैं क्यों उठाऊं? तो उसने कहा मैं उठाता हूँ रात को, मैं पिछली रात मैंने उठाया था तो मुंशी को,
तो उन्होंने उठने में देर कर दी, फिर टाइम वेस्ट हो गया उनका काफी सारा। तो आप जाओ उनको उठा कर, आप भी ये उठते ऐसे उठा ऐसे उठा, हम दुकान से दही लेके वापस आ गए, ये मुंशी उठा है ऐसे। वाह, मैं देखता रहा वो यार पूरे टाइम पे उसने आप ये इसने कहा कि 2:30 बजे उठाना है, ठीक है ना, मुझे पता है। फिर उसने 2:20 पे आपको उठाया है, ऐसा मान मैं एविडेंस हूँ, गवाह हूँ इसमें बिल्कुल। तो उसने कहा कि मुंशी को 2:20 पे हमने उठा दिया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ। रिजल्ट वही आया मुंशी की गफलत। आज मैंने भी इसको ऐसे उठाया, 2:30-35 पे उठाया, लेकिन नहीं, आज मुझे पता चला कि अहमद जो है ना इस टाइम जाग रहा है, मुझे पता चला। तो मैंने ये जाग रहा था, इसके लिए मैंने कहा कि मैंने देख लिया जाके सिस्टम सारा, बंदा जाग रहा है अब तो ठीक है ना। उसने कहा बस खुद जाग रहा है ना, बस ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। हाँ ये हुआ था, थोड़ा बहुत फर्क है टाइम में है। तो मामा मामा तेको मार के गए ना, तू ही तू ही मामे तू ही खुद से मार होने पता लग सकता तू चुप कर ना यार, सहरी कराने दे कैनवे कराने दे, तू ता हे किडू मारी के दे, तू चुप ते ना पे बाल तू कदे चुप कर, रोटी खावन ये हूं ते काम दे ना लेना बैठे आवाज आई है तो लगे। अच्छा जी ज्यादा मैंने सैरी करनी है, टाइम थोड़ा रह गया, करे 4:50 का टाइम खत्म हो रहा है, 10 जो है मजीद गुजर चुके हैं, बाकी रह गए टाइम 40 मिनट जो रह गए, मैंने कहा जल्दी सैरी कर देना। तो मैं वैसे ही यार कूल डाउन यार खले खा के अभी खुदा का वास्ता चिट्टा था बेटी मैं तू दा दा तो भावे गाल ही नहीं करने ला वेट करवे छोड़े थे पता है ते वाला हुंदे ला शॉट करे सारे नाल के शॉट की बेड़ा करंदे गाल ऐसी नहीं पिए जो मैं कुछ ज्यादा मार देना सारे के ये तक मैं चली बैठू मैं चुप कर बस चुप कर जूं ऐसा चुप की जो चुप के दिया जूं चुप के दिया कट कर फन मैं भी ना जेरा में मेरा तो चढ़ाई की मैं को कुटो मैं तो आके मुको मुंशी को मार गन हुंदे बदले आके मार गन फने जाओ बैठी मार गनो को मार गए लोग मैं तक मतलब ना मैं तमीज से के जे मैं तू ते को क्या है जन दही खा तू दही खा वन दही खा वन्यो अपनी सहरी तू खा पे तो जित लोड़ मार पे दे रे खा ना किदा होना तू क्या पुआई सी कपड़े ने सूट जेले कपड़े ने सूट जबरदस्ती में कटे नो ओ भाल अमर तो सा कोई है लाए तो तीली आज सारी ते हर बाते बदले ओ तीरा लेना काम भी हो सारी वाले आना तीली लावे बड़े दर्दी भरे बदले शॉपिंग करनी है 8 सब मैं गिनता हूं गाल कर 8 कि बीमारी है तेरा क्या दिमाग शार्ट है दिमाग की खराबी दिमाग का इलाज करवा खराब भाई यार ये काम तू लौड़ ना मारेगा ठीक है भाल ला के छेड़े करने तो कर के चव्या मेरे उत्ते हमदिया लेना पी मैं पूरा बंज बंज काम कर अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना पीना जो है मैंने तो कर लिया है मैंने भी कर रही है और साथ में ना आज काफ़ी दिनों के बाद डोला ना हमारा छोटा आ गया एक दिन पहले उठा था मेरे ख्याल हाँ। तो पहले पहले सारे बच्चे उठे थे फिर एक दफ़ा तकरीबन ये उठा अब दूसरी बार ये उठ के आया ना आज तो ये देखें पापे खा रहा है और नींद भी कर रहा है और साथ में हौले हौले नींद भी कर रहा है चाचे और पापे भी खा रहा है
हाँ जी आप जल्दी खाएं, टाइम कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खा लो, चार चार बजकर 40 मिनट पे खत्म हो जाएगा, 15 मिनट रहते हैं, इसलिए मैंने 4:40 पे आ गया है इतनी एकदम से। हाँ अरे कल तो 4:50 पे था, 4 तो एकदम से 4:40 पे आ चुके, वो कह रहे 4:40 पे आ चुके, रोजा बंद हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लो सहरी, जल्दी जल्दी कर लो सहरिया, फिर बनाऊंगी। सही है, जल्दी जल्दी खा लो, फिर जो है चाय गर्म हो रही है, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी शाम को अफ्तारी के टाइम, अब सहरी का टाइम है, फिर अफ्तारी के टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी, यानी कि अफ्तारी के बाद ही हमारी वीडियो जो है ना नेक्स्ट आएगी, अभी आप देख रहे हैं दोपहर को, ये अभी दोपहर को देख रहे हैं बहन भाई, ठीक है ना। तो हमने जी यहाँ पे रीज़न भी बता दिया है, हमारे मोबाइल की कंडीशन भी बता दिया, सारा कुछ फिर तफसीलात दे दी हैं, लेकिन इन तफसीलात का पता तब चलता है जब वीडियो पूरी देखी जाती है, तो अगर वीडियो पूरी नहीं देखी जाती तो मामलात बीच में चले जाते हैं, फिर वही सवालात शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बार बार देखने से यही होता है कि वीडियो कम्प्लीट देखने से आपको पता चल जाता है कि क्या मामला चल रहे हैं और क्या आप देखा भी करें, क्योंकि हाँ हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, हाँ जी अच्छा बनाएं, हाँ। बहन भाई देखें तो फिर भी कुछ आ जाते हैं बीच में मामला, तो वीडियो छोड़ा ना करो, हाँ। देखा पूरी करो, बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके जी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद काफी है, बहन भाई सपोर्ट करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी अरे बहन भाइयों, वीडियो का होता है हमारा व्लॉग मतलब होता है खत्म, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद ढोला अल्लाह हाफिज़, ढोला जिंदाबाद, ढोला जिंदाबाद, ढोला ढोला खुद जिंदाबाद है, कहते हैं मैं पाकिस्तान हूँ।